म्यूचुअल फंड्स पर सेबी का एक सर्कुलर आया है जिसमें सेबी ने रूल निकाला है कि अब से म्यूचुअल फंड्स का डिडक्शन ब्रोकर के पूल अकाउंट में नहीं जाएगा और इसकी वजह से कुछ स्टॉक ब्रोकर्स जैसे फायर्स ने यह डिसीजन लिया है कि वो म्यूचुअल फंड्स को प्लेज नहीं करेंगे और प्लेज मार्जिन को इंट्राडे में यूज नहीं करने दिया जाएगा। रीजन इसका ये सामने निकल कर आ रहा है कि ब्रोकर्स अगर आपके मार्जिन शॉर्टफॉल होने की वजह से आपके म्यूचुअल फंड्स को सेल ऑफ करते हैं तो पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ना कि ब्रोकर के पास। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स अब प्लेज नहीं कर पाएंगे आपके शेयर्स को, ऐसा फायर्स कह रहा है। बट हैरान कर देने वाली बात यह है कि ज़ीरोधा और अपस्टॉक ने ऐसा कोई भी रूल अपने क्लाइंट्स के लिए नहीं निकाला है, सो हमें थोड़ा और टाइम इंतजार करना पड़ सकता है ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स के डिसीजन के लिए। बट फायर्स में ये कंफर्म है कि आपको कल से यही रूल अप्लाई होगा और 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में आपको मार्जिन फैसिलिटी फायर्स में नहीं मिलेगी। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, क्या आपने 90 डेज की 5 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स विद लाइव मार्केट ट्रेडिंग के लिए सीट बुक किया? अगर नहीं तो कॉल करें 9926773766। थैंक यू फॉर वॉचिंग।